हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस वीडियो में हम पीस एंड कॉपरेशन जो साउथ ईस्ट एशिया में है उसकी बात करेंगे, और प्रिसाइसली हम सार्क की बात करेंगे। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसको अपने नोट्स में 5 बार लिखो जिससे याद हो जाए। थोड़ा सा अगर हम ये देखें, अगर कुछ कार्टून तो आपको यहाँ इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते दिखेंगे। हे मिस्टर हु, ट्रेड कॉमर्स एंड इकोनॉमी, व्हाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू कोर इशूज विद इंडिया। ये केशव द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखा है कि ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमी मतलब इसी से क्यों नहीं आप स्टिक करते। ठीक है, और ये थोड़ा सा पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, पाकिस्तान ट्रिब्यून, वहाँ का एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है। द एम्पायर हैज़ टू डिसाइड वेदर द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ये जमाली बता रहे हैं, और ये एम्पायर है, एम्पायर ये कौन है, चाइनीज है, यूएस के हैं, आप बताइए। द टू कार्टून, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम पाकिस्तान, इंटरप्रेट द रोल ऑफ टू की प्लेयर्स हु आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द रीजन। डू यू नोटिस एनी कॉमनलिटी बिटवीन दीज परस्पेक्टिव? क्या लगता है दोस्तों, कौन है ये? तो ये आप बता सकते हैं, ये शायद परवेज मुशर्रफ हैं, ये वाजपेयी हैं, और ये चाइनीज के हैं ना। तो ये सो एवरी एसोसिएशन सीम्स टू हैव इमर्ज्ड फॉर ट्रेड, इज ट्रेड मोर इम्पोर्टेंट देन पीपल टू पीपल रिलेशंस? इसका आंसर यस ही है, होना ऑनेस्टली चाहिए, पीपल टू पीपल रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बट ट्रेड से ही पूरी दुनिया चलती है दोस्तों। ठीक है, तो ट्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एक और एग्जाम्पल दू तो आईपीएल नहीं हो रहा, आईपीएल में मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स अलाउड नहीं है। ऐसे ही बॉलीवुड में पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उन सबको बॉयकॉट कर रखा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड चल रही है। आप अटारी बॉर्डर जाइए, दोनों के ट्रक इधर उधर आ रहे हैं। हाँ, कम है लेकिन ट्रेड तो चल ही रही है। तो ट्रेड चल रही है, पीपल टू पीपल कनेक्ट बंद है, तो ये सब चलता रहता है ना, पॉलिटिक्स। तो ट्रेड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना के रिश्ते देखो, इतने बुरे रिश्ते हैं, मतलब इतने बुरे नहीं, बुरे तो है ना, अगर इतने बुरे ना बोलू। ट्रेड देखो कितनी ज्यादा करते हैं दोनों कंट्रीज, है ना। इंडिया पे तो ट्रेड डेफिसिट ही 70 मिलियन कुछ डॉलर का था, है ना। तो ये सब चीजें भी हैं दोस्तों। ठीक है, एनीवेज हम आगे चलते हैं, पीस एंड कॉपरेशन डिस्कस करेंगे। डू द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया कोऑपरेट विद ईच अदर? क्या लगता है दोस्तों, कोऑपरेट तो करते हैं लेकिन अच्छे लेवल पे नहीं करते, इसका आंसर ये है। और डू दे ओनली कीप फाइटिंग विद ईच अदर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर कोई फाइट फाइट नहीं कर सकता। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स अमंग देमसेल्व्स। पूरी दुनिया के लोग ये समझते हैं कि फ्रेंडली रिलेशन में ही फाइनली डेवलपमेंट होने वाला है, अदरवाइज तो आपका डेवलपमेंट होने ही नहीं वाला, ये सब समझते हैं। ठीक है, टेररिस्ट भी समझते हैं, सिंपल सी बात है ना। द सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इज अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय द साउथ एशियन स्टेट्स टू इवॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मींस। तो मल्टीलेटरल मींस के थ्रू कोऑपरेशन जो हो रहा है उसके लिए सार्क है। ठीक है, इस रीजनल में 1985 में इसका स्टार्टिंग हुई थी, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस सार्क हैज नॉट हैड मच सक्सेस। ठीक है, सार्क फेलियर है, सिंपल सी बात है। इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहते हैं और उनका इसका कुछ होने वाला है, देखते हैं फ्यूचर में कुछ हो। सार्क मेंबर साइंड साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत बड़ा बड़ा सोचा था इन्होंने, विच प्रॉमिस द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया। तो ये सपने देख रहे थे कि हम एशियान की तरह बन जाएंगे, यूरोपियन यूनियन की तरह बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सपने देख रहे थे, साफ था जब साइन हुआ था, बहुत पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, मतलब सिंपल सी बात है। अ न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कॉपरेशन माइट इवॉल्व इन साउथ एशिया इफ ऑल कंट्रीज इन द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। देखो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अगर ये साफ्ता हो जाए ना, साउथ एशिया दुनिया में सबसे स्ट्रांग रीजन बन जाएगा। यूरोपियन यूनियन एशियन को आराम से बीट कर देगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस रीजन की, लोग मेहनती भी है ना, सर्विसेज सेक्टर ये वो, और ओवरऑल रीजन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये आप समझ ही सकते हो। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये लेक्चर में आप देख चुके हो। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाए साफ्ता समहाउ, तो ये रीजन बड़ा अच्छा डेवलप होगा जितने भी कंट्रीज हैं। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड द आइडिया ऑफ साफ्ता। तो मतलब दोस्तों 10 से 20% ग्रोथ होगी इन कंट्रीज की, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, सिंपल सी बात तो ये है, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है इन कंट्रीज में, है ना। डेवलपिंग नेशंस हैं सारे के सारे, या अंडर डेवलप्ड भी आप वर्ड यूज कर सकते हो काफी जगह। तो द एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 2004 एंड 2006 को ये इफेक्ट में आ गया था। सबसे पहले दोस्तों सब एग्रीमेंट साइन करते हैं मीटिंग में,
इफेक्ट आने की एक डेट होती है, ठीक है। वहाँ सबके कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि आपको, सबके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सबके पार्लियामेंट में बोला जाता है कि आपको ये रेटिफाई करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रेटिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग तरीके से, फिर इफेक्ट में आ जाता है। साफ था एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स। तो साफ था का सिंपल पर्पज था कि ट्रेड, 10 रुपए का सामान अगर पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, तो अभी इंडिया काफी ज्यादा टैक्स वैक्स लगा रहा है, ठीक है। लेट से अभी 100% लगाता है, वो 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचता है। साफ तक कहता है इसको कम करो और जीरो पे लाने की कोशिश करो, ठीक है। कम करो, जीरो पे लाने की कोशिश करो, इससे दोनों देशों का फायदा होगा, ठीक है। ये है साफ्टा, सिंपल सा एग्रीमेंट। बट सम ऑफ आर नेबर्स फियर दैट साफ्टा इज अ वे ऑफ फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट्स एंड टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स थ्रू कॉमर्शियल वेंचर्स एंड अ कॉमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्री। साफ सी बात है, इंडिया काफी बड़ा कंट्रीज है। इन कंट्रीज को देखो तो पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना, टक्कर दे ही नहीं सकते भारत को। लेकिन वैसे ये बात कहने की है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, है ना, तो टक्कर ठीक ठीक दे सकते हैं। स्पेशली आपने अगर कभी टॉमी हिग्निफायर की, जैसे आप शोरूम वगैरह पे जाओगे या किसी और शोरूम में भी जाओगे, आप वैन ह्यूसन वगैरह के भी, तो आप कपड़ों पे देखना वहां लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश। तो गारमेंट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल बांग्लादेश, श्रीलंका अपने में, पाकिस्तान अपने में, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया के साइज से डर जाते हैं वो, कि इंडिया में पोटेंशियल है, साइज है, पॉपुलेशन है, खा जाएगा हमें, ठीक है, ये डर लगा रहता है। उनको लगता है कि इंडिया की कंपनीज हमारे कंट्री में भी घुस जाएंगी और हमारी तो कंपनीज ही बंद हो जाएंगी। इंडिया थिंक्स दैट देर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम साफ्टा एंड दैट रीजन दैट ट्रेड्स मोर फ्रीली विल बी एबल टू कॉपरेट बेटर ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। इंडिया बोलता है कि अगर हमारे में ट्रेड अच्छी होगी तो हम पॉलिटिकल भी अच्छा मैनेज कर सकते हैं और आपकी कंट्रीज को भी फायदा होगा। आपके में इन्फ्लेशन कम होगी, आपके में कंपटीशन बढ़ेगा, आपकी भी कंपनीज आगे बढ़ेंगी, हम उनको जॉब्स भी देंगे, है ना, तो फायदा रहेगा। सम इन इंडिया थिंक दैट साफ्टा इज नॉट वर्थ द ट्रबल सिंस इंडिया ऑलरेडी हैज बायलेटरल एग्रीमेंट्स विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। तो इंडिया कहता है आपके साथ वैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने श्रीलंका, भूटान, नेपाल से साइन कर रखे, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो साफ्टा में, है ना। तो काफी लोग इंडिया में ये भी सोचते हैं। ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सीम्स टू बी अ स्टोरी ऑफ एंडेमिक कंफ्लिक्ट एंड वायलेंस, देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ एफर्ट्स टू मैनेज टेंशन एंड बिल्ड पीस। तो इंडिया का कंफ्लिक्ट चलता है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों ने ट्राई भी करा है कि टेंशन को रिड्यूस किया जाए। इसको टाइप 2 टाइप 3 करके डिप्लोमेसी बोलते हैं। टाइप 1 डिप्लोमेसी जो होती है वो तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स के बीच होती है, वो तो फेलियर है, वहां तो कुछ होने नहीं वाला। तो बोलते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट्स को कुछ नहीं करना, तो दोनों कंट्रीज के एनजीओस कर लें, दोनों कंट्रीज की सोशल मीडिया कर लें, दोनों कंट्रीज के लोग कर लें, है ना। द टू कंट्रीज हैव एग्रीड टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर। तो काफी कुछ दोनों देशों ने करा है रिस्क ऑफ वॉर को रिड्यूस करने के लिए, बट वो इनसफिशियंट। सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैव कोलैबोरेटेड टू क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ फ्रेंडलीनेस अमंग बोथ कंट्रीज। तो काफी आपने प्रोग्राम्स पहले देखे होंगे कि क्रिकेटर्स साथ आ रहे हैं, आपने काफी प्रोग्राम्स देखे होंगे जहाँ पे सेलिब्रिटी साथ आ रहे हैं, अमन की आवाज, ये वो, ठीक है, वो सब ट्राई करने की कोशिश की गई है। लीडर्स हैव मेट एट समिट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द मेजर प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू कंट्रीज। आपने रियलाइज देखा होगा जब नरेंद्र मोदी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने नवाज शरीफ को भी बुलाया था और वो पाकिस्तान भी विजिट करके आए थे, नवाज शरीफ से मिल के आए थे, है ना। तो काफी ट्राई भी करी थी इंडिया ने, बट उसके बाद चीजें चली नहीं। पाकिस्तान ने या टेररिस्ट ने या उनकी मिलिट्री ने अटैक करे और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब ही हैं। अ नंबर ऑफ बस रूट्स हैव बीन ओपन्ड अप बिटवीन द टू कंट्रीज। ट्रेड बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ पंजाब हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली इन द लास्ट 5 ईयर्स एंड वीजाज हैव बीन मोर इजीली गिवन। कुछ कुछ चीजें की गई हैं कि वीजा आराम से मिल जाए, क्रिकेट के मैच जब देखने आ रहे हैं, पंजाब 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 पाकिस्तान में भी, पंजाब इंडिया में भी है, तो उनकी ट्रेड बढ़े, दोनों की लैंग्वेज सेम है ना। बस रूट स्टार्ट किए गए हैं, तो ये कुछ मेजर्स लिए गए हैं, ये आपको नोट्स पे लिख लेना चाहिए। नो रीजन एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। तो कोई भी रीजन दोस्तों वैक्यूम में या अकेले नहीं रह सकता, ये बात क्लियर होनी चाहिए, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड पावर्स एंड इवेंट्स नो मैटर हाउ मच इट मे ट्राई टू इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम नॉन रीजनल पावर्स। तो आपको लग रहा होगा कि सार्क का जो है या साउथ एशिया जो कंट्रीज हैं वो मामला सिर्फ उनका ही है, लेकिन ये बात ट्रुथ नहीं है, बाकी कंट्रीज की भी इंटरफेरेंस रहती है। रीजन काफी इंपॉर्टेंट है,
डेमोक्रेसी है यहाँ पे, यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है दोस्तों, यंग पॉपुलेशन है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पावर है दो कंट्रीज के पास, तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है ये। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, दोनों काफी ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। चाइना जो है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हम्बन टोटा पोर्ट बना रहा है श्रीलंका में, चिट्टागोंग पोर्ट बना रहा है कहाँ पे, बांग्लादेश में, मालदीव्स के पोर्ट बना रहा है। उसके साथ साथ आप अगर देखो तो यूएसए जो है वो काफी इंटरफेयर करता रहता है। यूएसए की पॉलिसी है कि उसे कंटेन करना है चाइना को, राइट। हमने लास्ट वीडियो में उसके वो भी देखे थे, सैनिक वगैरह जो है वो आते हैं। इंडिया ने क्वाड साइन कर रखा है, क्वाड, क्वाड में जापान और कौन है दोस्तों, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड मतलब चार कंट्रीज। ब्रिक्स साइन कर रखा है, ब्रिक्स में चाइना आ जाता है दोस्तों। आरआईसी साइन कर रखा है, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना। तो काफी सारे चीजें हैं, दोनों काफी एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसमें इंडिया यूएसए साथ साथ पार्ट लेते हैं। तो बाकी कंट्रीज का भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। साइनो इंडिया रिलेशंस हैव इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 10 ईयर्स, बट चाइनाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान रिमेन्स अ मेजर इरिटेंट। तो पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे को बोलते हैं ऑल वेदर फ्रेंड, है ना, इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं, और इंडिया हमेशा टेंशन में रहता है इस चीज को लेके। काफी लैंड जो है पाकिस्तान ने अपना चाइना को भी दे दिया है। द डिमांड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हैव ब्रॉट द टू एशियन जायंट्स क्लोजर एंड देयर इकोनॉमिक टाइज हैव मल्टीप्लाइड सिंस 1991। तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं ट्रेड वगैरह में, स्पेशली जो मैंने आपको बताया 1991 के बाद, तो और काफी तेजी से दोनों कंट्रीज साथ साथ आए हैं, और आप ब्रिक्स का भी पार्ट है जो मैंने आपको बताया, राइट। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज रैपिडली इंक्रीज आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद में अमेरिका अपनी एक नजर रख बनाए हुए यहाँ पे। यूएस हैज हैड गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस कोल्ड वॉर। तो पहले तो पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब इंडिया के साथ इवन बेटर ही है ना। एंड इंक्रीजिंगली वर्क्स एज अ मॉडरेटर इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। काफी बार मॉडरेटर की तरह एक्ट करता है, स्पेशली जब कश्मीर के इश्यूज आ जाते हैं, आपने टीवी शोज वगैरह में भी देखा होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन बोथ कंट्रीज हैव ग्रेटली इंक्रीज द डेप्थ ऑफ अमेरिकन पार्टिसिपेशन इन द रीजन। तो दोनों कंट्रीज में इकोनॉमिक पोटेंशियल है दोस्तों, पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोनों कंट्री कर रहे हैं, पाकिस्तान उस पेस से नहीं कर रहा, लेकिन काफी अट्रैक्टिव चीजें बना देता है। तो अमेरिका को मार्केट चाहिए होता है हमेशा अपने माल बेचने के लिए, ठीक है, उनकी कैपिटलिस्ट मर्केंटलिज्म पॉलिसी रहती ही है। द लार्ज साउथ एशियन डायस्पोराज इन द यूएस एंड द ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द मार्केट्स ऑफ द रीजन ऑल्सो गिव अमेरिका एन एडेड स्टेक इन द फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस। तो काफी सारे जो साउथ एशियन है दोस्तों वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, जिनको डायस्पोरा बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी, इंडिया दोनों वहां पे जाके मस्ती करते हैं, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, और इस चीज से रिलेशंस भी अच्छे हुए इंडिया यूएस के, पाकिस्तान यूएस के, है ना। ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन मार्केट्स ऑफ द रीजन अमेरिका को बोलता है कि भैया इस रीजन में को नजर रखनी है और अपना मार्केट बनाना है। हाउएवर वेदर साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज अ कंफ्लिक्ट प्रोन जोन और विल इवॉल्व इनटू अ रीजनल ब्लॉक विद सम कॉमन कल्चरल फीचर्स एंड ट्रेड इंटरेस्ट विल डिपेंड मोर ऑन द पीपल एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द रीजन रादर देन एनी अदर आउटसाइड पावर। साफ सी बात है कि अगर सारे कंट्रीज साथ में आने को तैयार हो जाए तो कोई चाइना और यूएस भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। बट वो विल चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडर्स चाहिए, राइट। सब कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग लीडर्स चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ दो कंट्रीज सोच रहे हैं, बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं सोच रहे, तो सबको साथ आना पड़ेगा। तब साउथ एशिया एक कंफ्लिक्ट जोन नहीं, एक पीस मेकिंग जोन हो जाएगा, है ना। इससे फायदा भी रहेगा, जैसे लोग यूरोपियन यूनियन जाना चाहते हैं घूमने, सार्क में, साफ्ता में आया करेंगे, है ना। तो दैट्स ऑल, हमारा साउथ एशिया वाला खत्म हुआ चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे। थैंक